कंट्रोल संचालक 4 माह से नहीं दे रहा राशन, राशन लेने जाते हैं तो देता है गालियां, करता है अभद्र व्यवहार। खबर चौका तहसील करेरा से आ रही है। यहां रहने वाली ममता वंशकार ने आज कलेक्ट्रेट में गुहार लगाते हुए कहा कि उसका गरीब परिवार है और इसको 4 माह से राशन नहीं मिला है। जब वो राशन लेने जाती है तो कंट्रोल संचालक उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, गालियां देता है, अंगूठा लगवा लेता है। इसकी शिकायत उन्होंने कई जगह की है लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश वंशकार है सर, ग्राम चौका का हूँ, परगना करहरा है, शिवपुरी मेरा जिला है सर। सर मैं हरिजन जाति का हूँ सर, मेरे पास कोई रहने के लिए कोई मकान, कोई खाने के लिए कुछ वो नहीं है व्यवस्था सर। मेरे एक कूपन पर्ची बनी हुई थी सर, मैं लेने के लिए गया तो 4 महीने से दाब धोसे दमंग पार्टी है सेल्समैन जो बांटता है सर, उसने 4 महीने से हमसे उंगली लगवा लेता है और कहता है सर अभी कंट्रोल आई नहीं है सर, उंगली लगवा लेता है, दमंग पार्टी है वो सर। हाँ सर, उंगली क्यों लगाते हैं सर? वो दमंग पार्टी है कहते, और ये भी कहता है कि सर अभी आई नहीं है, दे देंगे, आ जाएगी, उंगली जरूर लगवा लेता है। इसके पहले सर मैंने करेरा SDM साहब के पास शिकायत की है सर, और फिर इसके पास करेरा फूट साहब के पास शिकायत की है सर, फिर वहाँ से मैंने शिवपुरी फूट साहब के पास शिकायत की है साहब, तो फूट साहब के पास जो शिकायत आई थी, जिसने जो साइन किए करके मुझे दिए थे, वो करेरा का फूट साहब था, वो कागज़ चोरी से वो ले गया सर, वो अभी तक मिला नहीं है कागज़ सर। पर आज तारीख को मैं फिर आया सर, तो जो शिवपुरी फूट साहब हैं उनने आज मुझे फिर साइन करके दिया है सर, प्राप्ति सर, मेरी सुनाई की जाए सर। मेरे बच्चे जिस दिन से अनाज नहीं मिला उस दिन से मैं एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूं सर। कितने महीने से आपको राशन? आज 4 महीने हो चुका है, 4 महीने से उंगली लगवा लेता है बदमाशी से कि कंट्रोल अभी आई नहीं है। इस कंट्रोल सुनील यादव सेल्समैन चौका का।